हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने उभर के आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक बिहार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी पीठासीन पदाधिकारी। याचिका संख्या दी गई है प्रमोद कुमार यादव बनाम राज्य सरकार तथा संबंध याचिकाओं में दिनांक 2/4/2024 को पारित आदेश के आलोक में दिखा है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावल 2023 की खंडिका 12 में अंकित है कि बिहार राज्य शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण और अपील नियमावली 2020 के तहत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों मामलों का इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला ऑब्लिक राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई भी नया वाद स्वीकार नहीं करेगा। तो नियोजित शिक्षकों को जो है कहीं ना कहीं बड़ी जीत मिली है। याचिकाकर्ता ने दे सकते हैं या प्रमोद कुमार ने जो था केस फाइल किया था, और आप देख सकते हैं नियम 2020 के तहत गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों को लेकर था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं याचिका संख्या प्रमोद कुमार यादव बनाम राज्य सरकार तथा संबंध याचिकाओं में दिनांक 2/4/2024 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा न्यायाधीश पारित करते हुए खंडिका 12 को निरस्त कर दिया। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं न्यू शिक्षकों की एक पटना हाईकोर्ट से जो है वो मिली हुई बड़ी जीत है, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्यू शिक्षकों की जीत नीतीश सरकार ने टेके हैं गुट ने। तो बड़ी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो कह सकते हैं कि भाई आप देख सकते हैं डेट भी पड़ी है यहाँ पर। उपरोक्त न्यायाधीश के आलोक में यहाँ पर लिखा है कि विभाग द्वारा पत्रांक दिया गया है कि 1902 दिनांक 27/7/2024 निर्गत किया गया। पारित न्यायाधीश एवं विभागीय पत्र के आलोक में जिला एवं राज्य अपीलीय प्राधिकार नए वाद स्वीकार करने की कार्रवाई कर सकता है। मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, 19 तारीख की डेट आपके समक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है न्यू शिक्षकों के लिए कि एक बड़ा जीत जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी ओर देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक आप देख सकते हैं 20/8/2024 यानी कहीं ना कहीं आज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण जो भाग लेंगे इसमें, और कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा हो सकती है, स्कूल टाइमिंग को लेकर और भी कई सारे मुद्दों पर जो है चर्चा हो सकता है। तो स्पष्ट रूप से आपके समक्ष देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव, अपर सचिव देख सकते हैं कनीय अभियंता भवन निर्माण विभाग, आप देख सकते हैं निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्र के माध्यम से आगे भी एक अपडेट आई है। यहाँ पे आप मैं आपको दिखा दूँ, बैद्यनाथ प्रसाद यादव ने जारी किया है डेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 तारीख की पड़ी है। माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकायों के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि BPSC के माध्यम से, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या दी गई प्रथम चरण TRE 1 एवं विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है TRE 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रीति के साथ TRE 1 TRE 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर TRE 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। तो आप देख सकते हैं उपरोक्त विधेयक आपका अवगत है कि बिहार राज्य से विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण शासनिक कार्रवाई एवं सेवा सत्यमल 2023 जो कि दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या प्रथम चरण TRE 1 है, विज्ञापन संख्या देख सकते हैं द्वितीय चरण TRE 2 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की गई है, पुनः तृतीय चरण TRE 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। विभागीय पत्रांक यहाँ पे दिया गया है 5/2/2024 के द्वारा माध्यमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में स्थानीय निकायों के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या यहाँ पे दी गई है। प्रथम चरण TRE 1 आप देख सकते हैं आपके समक्ष है,
TRE2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ने के लिए। तो रिक्ति संबंधित ये पत्र जो है वो जारी कर दिया गया है कि जितनी रिक्तियाँ खाली हैं उन्हें आगे जोड़कर जो है वो भेजा जा रहा है। दूसरी ओर हम बात करें दोस्तों कि ये रिक्तियाँ खाली है तो इसमें विभाग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है अभ्यर्थियों का जारी करना चाहिए। एक मांग एक लंबे अरसे से शिक्षक अभ्यर्थियों की भाई कहीं ना कहीं जो उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जो है उन्हें दिया जाए। दूसरी ओर मामला आ रहा है फर्जी अभ्यर्थियों का, कौन कौन से कहाँ कहाँ की जो डिग्रियाँ हैं वो फर्जी हैं। आप देख सकते हैं कि अध्यापक और डीएलएड प्रमाण पत्र अगर उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ है तो उसकी गहन जांच किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश डीएलएड नियमावली के अनुसार यह अध्यापक गलत तरीके से डीएलएड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश डीएलएड नियमावली में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही उत्तर प्रदेश से डीएलएड का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रावधान है। अन्य राज्य बिहार के अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश से डीएलएड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है, तो फिर वह अध्यापक उत्तर प्रदेश राज्य से डीएलएड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अब देख सकते हैं ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लगातार देखने को मिल रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है दूसरे राज्यों से डीएलएड कर रहे हैं, और जिस कारण से कि फर्जीवाड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने दोस्तों इस वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।